कॉपरेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नाक में से बदबू आना, नाक की दुर्गंध या नाक में बहुत ज्यादा गंदगी जमने के ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर आपको भी बार बार कफ जमता है या फिर आपकी स्मेल से आपके खुद को ही आपके नाक में से बदबू आती है या आसपास भी आपके कोई बैठता है और उसको आपकी सांसों से बदबू आने लगती है तो उसके पीछे के कारण जानेंगे। साथ में हम ऐसे उपाय भी करेंगे जिससे कि नाक की बदबू को आप घर पर ही बिल्कुल सही कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एट्रोफिक राइनाइटिस ऐसी एक समस्या होती है जिसके कारण व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले तो उसे खुद ही इस प्रकार की स्मेल आने लगती है कि जैसे कप बहुत ज्यादा जम रहा है, नाक में से बदबू आती है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो आपके आसपास अगर कोई भी व्यक्ति बैठता है तो उसे भी इस प्रकार की स्मेल का महसूस होता है। तो पहले हम यह जानेंगे कि नाक में से बदबू क्यों आती है, इसके पीछे के कौन से कारण होते हैं। किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होता है या फिर सर्दी जुकाम पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है तो इस प्रकार से नाक में से बदबू आने लगती है। किसी व्यक्ति को नाक में से पानी निकलता है, नाक पूरी तरह से जाम होने लगता है और नाक के पानी को बार बार वह ऊपर खींचता है और धीरे धीरे वह कप बनने लगता है और अंदर कहीं जमा हो जाता है, इस कारण से भी नाक में से बदबू आने लगती है। अंदर जो हड्डी होती है कई बार वो ज्यादा सर्दी जुकाम होने के कारण टेढ़ी हो जाती है, चोट लगने के कारण टेढ़ी हो जाती है जिसके कारण भी नाक में से बदबू आने लगती है। नाक के अंदर जो स्लेस्मा झिल्ली होती है कई बार वो पूरी तरह से मुड़ जाती है, ये कारण इस प्रकार की स्मेल आने लगती है कि आपके नाक के श्वासों के द्वारा आपको स्मेल महसूस होगी। किसी व्यक्ति को कप बहुत ज्यादा बनता है, कप की प्रवृत्ति ज्यादा है और कप बार बार जम करके आपके फेस पर नाक के अंदर बहुत ज्यादा जम जाता है, प्रकार की अगर आपको एलर्जी बनी रहती है तो भी ये संक्रमण आपको ज्यादा होता होगा। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम लगता है और इस प्रकार का संक्रमण होने लगता है कि नाक में से बदबू आने लगती है। जो कफ होता है वो पूरी तरह से सड़ने लगता है और धीरे धीरे उसकी स्मेल बाहर तक आने लगती है। जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ सावधानियां जानेंगे क्योंकि अगर नाक के किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, एलर्जी होती है तो उसके लिए हमें सावधानी रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी सावधानियां रोज रखते हैं तो आपको नाक संबंधी कोई भी समस्याएं नहीं होती। सावधानी यहाँ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कप बहुत ज्यादा बनता है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी कप बनने वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। जिस खाद्य पदार्थ से या जिस भोजन से कप की प्रवृत्ति बढ़ती है ऐसे पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के साथ में आपको खट्टे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि इमली हो गया, अचार हो गया, इन सबको भी आपको नहीं खाना है। जो तीसरी सावधानी है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होता है, कब बनता है तो वो बार बार ऊपर की तरफ जो खींचता है वह बिल्कुल भी नहीं खींचना है। उसे क्या करें, आप रुमाल लेकर के बाहर निकाल दे, साफ करें, नाक में सेंधा नमक का पानी बनाकर उसे क्लीन करें तो इस प्रकार से कप बनना बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि उनको सर्दी जुकाम लगने पर उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं जिसके कारण कप अंदर कहीं जम जाता है, चिपक जाता है, उसमें कीड़े होने लगते हैं या फिर वो सड़ जाता है जिसके कारण इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। अगर आप ये सावधानी रखें कि आपको कभी भी सर्दी जुकाम होता है और आप उसे ऊपर की तरफ नहीं खींचते हैं तो ये संक्रमण आपको नहीं होता। मैं अगर आप गर्म पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी एलर्जी रहता है, सर्दी जुकाम बार बार रहता है तो आपको गर्म गर्म वस्तुओं का सेवन करना है या फिर आप गर्म पानी ले सकते हैं, गर्म भाप ले सकते हैं, मतलब सब चीजें आपको गर्म करनी है जिसकी वजह से आपके नाक संबंधी कोई एलर्जी ना हो। अगर किसी प्रकार की एलर्जी हो भी जाती है तो उसे आप सही कर पाए क्योंकि नाक में से बदबू आना बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। अगर ये संक्रमण पर ध्यान न दिया जाए तो सर्जरी तक करवानी पड़ती है क्योंकि कप के अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं। अगर आप इसे पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ने के चांस हो जाते हैं, इसीलिए सावधानी सबसे पहले जरूरी है। किसी को भी इस प्रकार की नोज की एलर्जी है कि बार बार सर्दी जुकाम होता है, कप बहुत ज्यादा जमता है और अगर आपके नाक में से बदबू आने लगी है तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे उपाय करेंगे जो बिल्कुल नेचुरल है। इनको अगर आप रोज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको आराम मिलेगा। अगर आप इनको सप्ताह के अंदर दो दिन भी करते हैं तो आपको काफी आराम मिलेगा। सबसे पहला उपाय है वह हमें एक ड्रॉप बनानी है और उस ड्रॉप को आप सप्ताह के अंदर दो दिन डाल सकते हैं या फिर रोज रात को सोते समय लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करना है, उसके अंदर कुछ अजवाइन डाल देना है, उसे अच्छे से गर्म कर लेना है और गुनगुना रखना है।
कॉटन की सहायता से अपने नाक के नथुनों के अंदर इस प्रकार से एक या दो बूंद रोज डाल देने से नाक के अंदर किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। बार बार सर्दी जुकाम होना बिल्कुल सही हो जाता है। बदलते मौसम के अंदर अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो नहीं होता। अगर आपको छींके बहुत आती है, नाक में से पानी बहुत निकलता है तो यह समस्या सही हो जाती है। और अगर ये सारी समस्याएं नहीं होगी तो नाक में से बदबू आना अपने आप सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाक में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, लेकिन अगर इस ड्रॉप को रोज रात को सोते समय डालें तो उनके नाक में से बदबू आना सही हो सकती है। क्योंकि सरसों का तेल और अजवाइन अंदर जाके आपकी कफ को बिल्कुल सही करेगा, कीड़े भी अगर होने लगे हो तो उसको सही करेगा। अगर नाक के अंदर कफ पूरी तरह से चिपक चुका है श्लेष्मा झिल्ली के ऊपर या कहीं पर भी, तो वो उसको बिल्कुल साफ करेगा। नाक की हड्डी में भी आपको काफी परेशानी होगी तो उसको भी वो सही करेगा। साथ हम एक अंदरूनी उपाय करेंगे। जिस मिश्रण को आप लेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्या अगर है कि नाक में से बदबू आती है तो वो समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को नाक में से बदबू आ रही है या कफ बहुत ज्यादा बनने लग गया है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, आप क्या करें? आधा चम्मच आपको लेना है तुलसी का रस, उसमें डालना है चुटकी भर हल्दी पाउडर, उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके अंदर आपको डाल देना है आधा छोटा चम्मच ही शहद, और इस मिश्रण को रोज भूखे पेट ले सकते हैं या फिर रात को सोते समय ले सकते हैं। अगर इस मिश्रण को आप लेते हैं तो आपका अंदरूनी भी उपाय होएगा। अगर नाक के अंदर सूजन आ गई है, किसी प्रकार का दर्द हो रहा है या अंदर मवाद बढ़ने लग गया है तो हल्दी एंटीबायोटिक का काम करेगा और तुलसी का रस कफ को बिल्कुल सही कर देगा। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज्यादा नाक में से बदबू आती है या फिर कफ जमता है। रोजाना ही अगर कोई व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है तो उसे नाक संबंधी कोई समस्या नहीं होती, श्वास संबंधी कोई समस्या नहीं होती, फेफड़ों तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है। प्राणायाम करने से नाक के किसी भी प्रकार का अगर आपको संक्रमण होता है कि छींके आती है, बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है, एलर्जी रहती है, तो उस संक्रमण से आप बच सकते हैं। रोजाना ही 15 से 20 मिनट तक आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। इसे करना काफी सरल है और इसे रोज करने से आपके नाक संबंधी कोई समस्या नहीं होती। इसे तो सभी व्यक्ति को करना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं सताए। आपके नाक में हड्डी बढ़ चुकी है, मांस बढ़ चुका है या फिर अगर आपके नाक में से बदबू आती है, कफ बहुत ज्यादा जमता है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी एक बार करके देखें। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है और इसे करने पर आपको ना तो कुछ खाना है और ना ही आपको कुछ पीना है। बस सिर्फ और सिर्फ कुछ सावधानियों के साथ भी अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करते हैं तो आपको ये संक्रमण नहीं होता। नाक में से बदबू आने को आप बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से सही कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम बनता है ज्यादा तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। कफ की प्रवृत्ति अगर ज्यादा है तो उसे अनदेखा ना करें। नाक की दुर्गंध बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर वो आपको आती है तो ठीक है, लेकिन आपके आस पास बैठे हुए भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार की स्मेल आने लगती है तो ये समस्या बढ़ने लगती है। शुरुआती दौर में जैसे कफ बनने ही लगा है, सर्दी जुकाम होने ही लगा है, उसी समय आपको इससे रोक लगा देनी चाहिए ताकि ये संक्रमण आगे ना बढ़े। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल रहा है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।